ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियल हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। कहते हैं u प्लस आई बी इज इक्वल टू कॉट एक्स प्लस आई बी, शो दैट b इज इक्वल टू माइनस साइन हाइपरबोलिक 2y अपॉन कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x। तो इसको प्रूव करने के लिए जो हम गिवन है वो लिख लेंगे, कॉट एक्स प्लस आई बी, कॉट की वैल्यू जैसा कि हम जानते हैं कॉस अपान साइन होती है, एंगल यहाँ पर एक्स प्लस वाई है तो एक्स प्लस आई वाई लिख दें। और जिस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में रियल अलग है, इमेजिनरी अलग है, ऐसे राइट हैंड साइड में हम रियल पार्ट अलग इमेजिनरी अलग करने के लिए डिनोमिनेटर से आई को हटाने के लिए इसके कंजुगेट का ऊपर नीचे इंटू करना होगा, और कंजुगेट निकालने के लिए डिनोमिनेटर का आई के साइन को चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इसके बाद इसमें आइडेंटिटी अप्लाई हो जाए, इसके लिए ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर में जो आइडेंटिटी लगेगी और टू कॉस ए साइन बी ये लगेगी, इसकी वैल्यू होती है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी। और डिनोमिनेटर में दोनों साइन है, साइन ए इंटू साइन बी, इसकी आइडेंटिटी होती है कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इन दोनों आइडेंटिटी को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम अप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड यू प्लस आई वी है, राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में हम लोग आइडेंटिटी ये लगा रहे हैं, साइन आएंगे दोनों लेकिन एंगल पहले ऐड हो जाएगा, यानी x प्लस आई वाई में ऐड हो जाएगा x माइनस आई वाई, और फिर प्लस का माइनस का साइन, साइन फिर एंगल माइनस होंगे, x प्लस आई वाई में से माइनस हो जाएगा x माइनस आई वाई। डिनोमिनेटर में दोनों कॉस आएंगे, मीन पहले एंगल माइनस होगा, x प्लस आई वाई में से माइनस हो जाएगा x माइनस आई वाई, और प्लस यहाँ पर भी माइनस का साइन है और कॉस आएगा, एंगल अब होंगे प्लस एक्स माइनस आई वाई। तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद आई वाई से आई वाई कैंसिल, और यहाँ से एक्स कैंसिल। सिमिलरली ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, एंड ऑल्सो आई वाई जो कि प्लस और माइनस है ये भी यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। तो वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स साइन एक्स यानी साइन 2x माइनस साइन 2iy, प्लस हो जाएगा इसलिए कॉस ये माइनस में प्लस हो जाएगा, और 2 टाइम्स iy हो जाएगी, 2 टाइम्स माइनस कॉस 2x हो जाएगा। हम यहाँ इन दोनों में हम एक आइडेंटिटी लगाएंगे, साइन आई जेड होता है तो ये आई बाहर आ जाता है साइन में, साइन हाइपरबोलिक जेड में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस आई जेड हो तो इसमें आई हट जाता है और कॉस हाइपरबोलिक जेड में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से ये वैल्यू हो जाएगी साइन 2x माइनस आई साइन हाइपरबोलिक 2y, यहाँ पर आई हटा के हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x। जिस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट अलग है इमेजिनरी अलग है, और राइट में भी ये कर दें, साइन अपान भी ये कर लें, यानी साइन 2x अपान में कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x, और ये अपान में ये कर लें तो माइनस आई साइन हाइपरबोलिक 2y अपान, डिनोमिनेटर में ये दोनों पूरे रहेंगे यानी कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x। हमने न्यूमरेटर को दो पार्ट में बांट दिया, डिनोमिनेटर दोनों के साथ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट हो चुका है, बस हमें कंपेयर करना रह गई है, कंपेयर करेंगे तो देखते हैं आई का कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में वी है और राइट हैंड साइड में आई को छोड़कर देखते हैं माइनस का साइन है, और न्यूमरेटर में साइन हाइपरबोलिक 2y और डिनोमिनेटर में ये एक्सप्रेशन है कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस का कॉस 2x। इस तरीके से ये प्रूव हुआ, मैं यही प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।